सर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिन कंपनियों के नाम आए हैं उनमें से कई ऐसी हैं जिन पे कोई ईडी सीबीआई का केस चल रहा है, और दूसरा जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनको लेके इतनी पॉलिटिक्स होती रहती है, उन्होंने क्या डोनेट नहीं किया किसी को? उनका नाम तो कहीं है ही। तो आप क्या कहते हो कि आजादी से अब तक वो औद्योगिक घराने ने डोनेट ही नहीं किया है? नहीं किया ही है, करते तो इसका हिसाब कहाँ है मैं पूछना चाहता हूँ। नाम भी नहीं आए हैं बॉन्ड के कारण, आज तो नाम तो आए हैं। क्या गोपनीयता की बात कर रहे हैं लोग? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं? हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको ये सवाल पूछना चाहता हूं, बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे, ऐसा उनको डर था। हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं, इतना डर था। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, और बॉन्ड कितना दिया गया ये कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा, और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक ये व्यवस्था चलाई है, पार्टी के नाम से 1100 रुपया लेते हैं, 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया घर में रख लेते हैं। बॉन्ड अगर 1100 को लेते हो तो 1100 रुपया बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। जरा उनको कोई पूछे तो, आप हमें इतना पूछ रहे तो चप 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 कर कर उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहाँ पर। आई नहीं, इनवाइट किया था, आई नहीं, कोई बोला क्या करें।